इस धाम में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, आप देख सकते हैं। एक तो संडे भी है और फिर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कैची धाम में, और जो नैनीताल भवाली के पास में पड़ता है, और आज इस पवित्र दिन में हमें भी बाबा नीम करौली के दर्शन करने को मिल रहे हैं। और आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, और अंदर जाते हैं फिर और आपको भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी अरदास खाली नहीं जाती है। जितनी भी मुरादें होती हैं बताते हैं कि बाबा उसको पूरी करते हैं। तो आज हम भी अपनी अरदास लेके चल रहे हैं, फिर चलते हैं मंदिर की ओर। और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है बाबा नीम करौली महाराज के दरबार पे। तो इधर है जूते खोलने का, तो हम भी जूते खोल के अंदर जाते हैं। तो हमारे फाइनली दर्शन हो चुके हैं, लेकिन ये था कि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, वहाँ पे फ़ोन भी बंद करने पड़े थे, तो इसलिए हमने फ़ोन ही चलाया। पर हम यहाँ पे 15-20 मिनट रुके, और इस मंदिर के अंदर 5 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें शिव मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, राम मंदिर है और हनुमान मंदिर है, तो और एक साक्षात नीम करौली महाराज जी का मंदिर है, और एक सिद्धि माता का मंदिर इसके अंदर है। तो बहुत अच्छा सुकून यहाँ पे मिलता है, लेकिन कैमरा यहाँ पे अलाउ नहीं है, इसलिए हमने अंदर कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है, तो यहाँ पे 15 जून को मेला लगता है, और यहाँ पर देश विदेश से इतने श्रद्धालु आते हैं। और सच में यहाँ पर जो मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर मुराद मांगेगा, जो अपनी अरदास लगाएगा, तो बाबा नीम करौली उसे ज़रूर पूरा करेंगे। तो फिर चलते हैं आगे, और आज हमें भी यहाँ के पावन दर्शन हो गए हैं, तो फिर चलते हैं आप। नंदन चर्चिताया नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और अभी कैची धाम का नज़ारा देखिए, इतना ट्रैफिक हो रहा है आगे तक, क्योंकि एक तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है संडे की वजह से, और हमारी गाड़ी रही उधर। और इधर है गाड़ी, तो यहाँ से निकालते हैं हम। तो यहाँ से निकलेंगे हम भवाली, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और जाम लग रहा है, तो यहाँ से हम भवाली के लिए निकलते हैं। और फिर हमने वहाँ पर केक ऑर्डर किया है, तो केक को लेके चलेंगे फिर घर की तरफ, और बने रहिए आप, फिर देखेंगे कि आज के दिन पे क्या होता है। यहाँ से तो फाइनली निकल गए हम, 3:30 हो रहा है और टाइम भी जा रहा है, तो हमें दूर भी जाना है, तो फिर निकलते हैं भवाली की ओर। हम अभी पहुंचे पेट्रोल पंप में, और मम्मा यहाँ पे पेट्रोल भरवा रही है, तो अभी देखो मम्मा डिक्की खोल रही है अपनी। लो ये फुल करने हैं, क्या हो गया? की
तो हम फिर से भवाली पहुंच गए हैं और अभी पहुंचे सेलिब्रेशन में, और इधर हमने चॉकलेट पेस्ट्री खा रहे और फिर निकलेंगे यहाँ से घर। और हमने यहाँ पे केक का ऑर्डर दिया था हैप्पी मदर्स डे वाला, तो दिखाऊंगी अभी कि क्या बना है, तो और जैसे भी बना होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी और हम खा लेते हैं फिर। प्राची कैसा लग रहा है? सबसे बढ़िया मेरे को कैची धाम घूमने में अच्छा लगा, और मतलब सच में आज दिल से सुकून मिला इतने सालों बाद में। मतलब कभी भी 15 जून को मेला लगता तब भी नहीं हो पाता है, लेकिन आज हमारा वहां जाने का हो गया, मतलब बाबा ने हमें अपने चरणों में बुला ही लिया। तो फिर हम इसको फिनिश करते हैं और फिर आगे दिखाएंगे, थोड़ा मार्केट का सामान लेना है और फिर उसके बाद घर जाएंगे। और हमने छोटा सा केक ऑर्डर कर दिया शाम के लिए। और केक रख लिया हमने, तो अब केक को लेके चलते हैं घर। चलो भाई, और यहाँ से लगेगा हमें टाइम, अभी थोड़ा मार्केट का काम करना है। तो अभी हमने कुछ नहीं खाया था, तो यहाँ पे हमारा चल रहा है सूप, कच्ची का सूप और नूडल्स वगैरह कुछ खा लेते हैं, क्योंकि कुछ खाया नहीं था, बिना खाए मैं मंदिर गई थी, तो खा लेते हैं फिर और उसके बाद मिलते हैं आपको। तो गाइज अभी पहुंचे हैं हम भवाली से, भवाली के ऊपर मतलब श्याम खेत से ऊपर, और यहाँ पर हमें इतनी ठंड लग रही है ना, अब हमें स्वेटर निकालने की जरूरत है, तो हम स्वेटर पहन के जाएंगे अब, क्योंकि मतलब मुश्किल हो रहा है जब मैं गाड़ी चला रही हूँ ना, तो दांत किटकिटा रहे हैं मेरे गाड़ी चलाते वक्त, इसलिए मुझे स्वेटर तो लाए हैं हम, तो स्वेटर पहन लेते हैं। तो गाइज हमने स्वेटर पहन लिया है, स्वेटर लगा लिया है, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है हमको और हम आराम से गाड़ी चला सकते हैं ना। सच में कहीं बारिश हो रही होगी तो, पहाड़ों का मौसम भी बड़ा अजीब है, अगर थोड़ा सा गर्मी हुई तो गर्मी हो जाती है, मतलब धूप तेज होती है, और अभी 2-3 दिन से ना कहीं दूर दूर मतलब यहाँ तो नहीं हो रही है, लेकिन कहीं तो बारिश हो रही होगी, तो उसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। तो अब गाड़ी चलाते वक्त ऐसा लग रहा है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जुकाम भी लग रहा होगा मेरे को। तो फिर हम आपको मिलेंगे आप सीधे घर, और देखते हैं फिर मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे और यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि शाम भी हो गई, 5 बजने वाले हैं, और अभी हमको रामगढ़ तक निकलना है, तो इसलिए हम चलते हैं फिर, और हेलमेट वगैरह पहन के तो चलो फिर हम आपको वहीं, और आप देखना फिर जैसे हम मतलब कि हमने सोचा है कि मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे घर जाके, तो फिर देखते हैं। और बारिश भी आ सकती है यार, चल जल्दी कर दो, वो कहाँ है मेरा चश्मा, तो दे दो। मदर्स डे को सेलिब्रेट करेंगे और बुलाते मम्मी लोगों को, और उसके बाद केक कटिंग करेंगे और थोड़ा सा आपको भी दिखाएंगे जैसे भी रहेगा। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं सेलिब्रेशन के साथ,
और फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू, खुश रहो। मम्मी को खिला। रुको मम्मा को खिलाते हैं। हाँ बेटा, अभी तो रहना बेटा।